नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद भागीरथ में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें FB वो व्हाट्सएप के ऊपर, तथा सब्सक्राइब करें। एक रेड कलर का बटन होगा उसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास ही एक बेल आइकन बना हुआ होगा, इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो लेटेस्ट रूप से आपको मिलते रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन के बारे में, कि हमारे भारत के आज़ाद होने के बाद में कौन कौन से नए राज्य बने, किन किन नए राज्यों का गठन किया गया, किन किन राज्यों की सीमाएं और नाम परिवर्तन किया गया, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम 1948 के अंदर एक घर आयोग का गठन किया गया, इसके अंदर ये मांग रखी कि जो भाषा के आधार पर है वो नए राज्यों का गठन होना चाहिए, परंतु इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? इस मांग को रिजेक्ट इसलिए किया गया कि हम भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं कर सकते, इसलिए इस घर आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, उसको वहीं के वहीं रद्द कर दिया गया। फिर दूसरा कमीशन बना था, आयोग बना था, JVP, JN जवाहरलाल नेहरू, VN वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी यानी पट्टाभी सीतारमैया। इस आयोग को, JVP आयोग को, ये भी भाषा के आधार पर था, इन्होंने भी अपनी सिफारिशें भाषा के आधार पर दी थी, तो इसको भी रद्द कर दिया गया, इसकी भी सिफारिशें नहीं मानी गई कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। इसलिए जो 1949 के अंदर भाषा के आधार पर ये दो आयोग को सिफारिशें नहीं मानी गई थी, एक 1948 में घर आयोग की और दूसरा 1949 में JVP आयोग की, इन दोनों की सिफारिशें नहीं मानी गई। फिर 1953 के अंदर तमिलनाडु के प्रोटी श्री रामल्लू ने भूख हड़ताल पर बैठ गए, इनकी भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो तेलुगु भाषाई जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो गया, तो इसके कारण आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। जो भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला था, ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, AP। फिर दोस्तों एक आयोग बना था डॉक्टर फजल अली आयोग, इस पोटी श्री रामल्लू की भूख हड़ताल के बाद में, तो इन्होंने अपनी इसके अंदर अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर फजल अली आयोग अध्यक्ष थे, और इसके दो मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पाणिकर, ये बना था 1955 के अंदर डॉक्टर फजल अली आयोग, और इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी 1 नवंबर 1956 को। इन्होंने कहा था कि नए राज्यों का गठन करना चाहिए भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इन दो के आधार पर नए राज्यों का गठन करना चाहिए। जब इनकी सिफारिशें दी थी 1 नवंबर 1956 तक, जब तक हमारे पास थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहला राज्य तो बना था आंध्र प्रदेश, और दूसरा राज्य बना था 1960 के अंदर गुजरात राज्य बनाया था। गुजरात किसको, कहाँ से अलग किया था, मुंबई प्रांत से गुजरात को अलग किया गया था, तो दूसरा ये राज्य बना था 1960 में गुजरात। फिर नेक्स्ट राज्य बना था नागालैंड, 1963 के अंदर नागालैंड को बनाया गया था। फिर 1966 में पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ तीनों को अलग अलग किया गया था, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, ये 1967 के अंदर अलग किया गया। फिर 1971 के अंदर जो राज्य बना था वो था हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1971 के अंदर। फिर 1973 के अंदर तीन राज्यों का गठन किया गया था, मणिपुर,
त्रिपुरा और मेघालय का, इन तीन राज्यों का गठन किया गया था मणिपुर 1973 के, मणिपुर त्रिपुरा व मेघालय का, ठीक है। इसके बाद में 1975 के अंदर सिक्किम राज्य बनाया गया था, 1975 के अंदर हमने सिक्किम राज्य बनाया था। फिर 1986 के अंदर तीन राज्यों का फिर से गठन हुआ, गोवा का, मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश का, गोवा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का। फिर 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर हमने तीन राज्य और गठन किए थे, छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड। फिर जो आखिरी राज्य बना था 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। इसके आधार पर हमारे भारत के अंदर कुल राज्य हो गए, भारत में कुल राज्य हो गए 29, ठीक है दोस्तों, और 7 UT, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए टोटल। अब हम बात करेंगे किन किन राज्यों का नाम चेंज किया गया और सीमा चेंज की गई तथा नए नाम क्या क्या बने। अब जिन जिन राज्यों के नाम परिवर्तन हुए उनके हम बात करेंगे। 1950 के अंदर नाम चेंज हुआ था संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत का नाम हो गया उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है दोस्तों। फिर 1969 के अंदर, 1969 के अंदर हमने मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु रखा, मद्रास का नाम चेंज होके तमिलनाडु रखा गया। फिर 1973 के अंदर, 1973 के अंदर मैसूर का नाम चेंज करके, सॉरी मैसूर का नाम चेंज करके तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटक रखा गया था, मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक का रखा गया था 1973 के अंदर। फिर 1992 के अंदर एनसीआर रीजन नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन का गठन किया गया, दिल्ली हरियाणा और यूपी इन तीनों के, और अब वर्तमान में राजस्थान का भी है, अलवर और भरतपुर दोनों एनसीआर के अंदर आता है, वर्तमान में राजस्थान के अलवर और भरतपुर इन दोनों के कुछ कुछ क्षेत्र एनसीआर के अंदर आते हैं। फिर 2006 में पांडिचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी किया गया, 2006 में पांडिचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी किया गया। फिर 2006 के अंदर हमने उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड रखा, और लास्ट नाम चेंज हुआ 2011 के अंदर उड़ीसा का नाम चेंज करके हमने ओडिशा रखा, ठीक है दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।